दौलत, मोहब्बत और कामयाबी। एक ज़माने में एक औरत अपने घर से बाहर निकली और देखा कि तीन बूढ़े लंबी दाढ़ी वाले अपने सामने के सहन में बैठे हैं। वो उन्हें नहीं पहचानती। इसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आपको भूख लग रही होगी, प्लीज़ अंदर आइए और कुछ खाने को ले ले। क्या घर का आदमी घर में है, इन्होंने पूछा। नहीं, इसने जवाब दिया, वो बाहर है। फिर हम अंदर नहीं आ सकते, इन्होंने जवाब दिया। शाम को जब इसका शोहर घर आया तो इसने उसे बताया कि क्या हुआ। जाओ उनसे कहो कि मैं घर में हूँ और इन्हें अंदर बुलाओ। औरत बाहर गई और मर्दों को बुलाया। हम इकट्ठे किसी ऐवान में नहीं जाते, इन्होंने जवाब दिया। ऐसा क्यों है, इसने पूछा। बूढ़ों में से एक ने वजाहत की, इसका नाम दौलत है। इसने अपने एक दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो कामयाबी है और मैं मोहब्बत हूँ। इसके बाद इसने मजीद कहा, अब जाओ और अपने शोहर से बात करो कि तुम अपने घर में हम में से किसी को चाहते हो। औरत अंदर गई और अपने शोहर को बताया कि क्या कहा गया है। इसका शोहर बहुत खुश था। कितना अच्छा, इसने कहा कि यह मामला है, आए दौलत को दावत दे, इसे आने दो और हमारे घर को दौलत से भरने दो। इसकी बीवी ने इख्तिलाफ किया, मेरे प्यारे, हम कामयाबी की दावत क्यों नहीं देते। इनकी बहू घर के दूसरे कोने से सुन रही थी। वो अपनी तजवीज़ के साथ उछल पड़ी, क्या मोहब्बत को मदऊ करना बेहतर नहीं होगा, तब हमारा घर प्यार से भर जाएगा। शोहर ने अपनी बीवी से कहा, हम अपनी बहू की नसीहत को माने, बाहर जाओ और मोहब्बत को हमारे मेहमान बनाने की दावत दो। औरत बाहर निकली और तीन बूढ़ों से पूछा, तुम में से कौन मोहब्बत है, बराए करम अंदर आइए और हमारा मेहमान बनिए। मोहब्बत उठी और घर की तरफ चलने लगी। बाकी दो भी उठकर इसके पीछे चलने लगे। हैरतजदा खातून ने दौलत और कामयाबी से पूछा, मैंने सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, तुम अंदर क्यों आ रहे हो। बूढ़े आदमियों ने एक साथ जवाब दिया, अगर आपने दौलत या कामयाबी को मदऊ किया होता तो हम दोनों बाहर ही रहते, लेकिन चूंकि आपने मोहब्बत की दावत दी है, वो जहाँ भी जाता है हम इनके साथ जाते हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ दौलत भी और कामयाबी भी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।